एबीपीएस न्यूज। शुक्रवार की शाम मुक्तसर के गांव दोदा में मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ब्लॉक दोदा, भारतीय किसान यूनियन एकता, पुलिस और सिविल प्रशासन के सहयोग से एक साथ नशे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ रैली निकाली गई, जो कि गांव दोदा के गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब से मुख्य मेहमान नायब तहसीलदार चरणजीत झल्लर चन्नी, एसएमयू दोदा डॉक्टर रमेश कुमारी कंबोज और एसएचओ कोट भाई दलजीत सिंह की तरफ से साझे तौर पर हरी झंडी देकर रवाना की गई, जो कि गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब दोदा से शुरू होकर मन्नत मांग मनियावाला समाग शेख रुखाला कोट भाई साहबचंद भलाई आना बुट्टा श्री धूलकोट कब्जा करने और कोणिये से होती हुई गांव दोदा में समाप्त हुई। इस मौके पर बोलते हुए नायब तहसीलदार ने कहा कि हम सबको नशे के खिलाफ लड़ना चाहिए और जो लोग नशे के आदि हो चुके हैं और उनको प्यार के साथ समझाना चाहिए। इसी के साथ मेडिकल समूह प्रैक्टिशनर समाज सेवी संस्थाओं नगर पंचायतों आदि को नौजवानों के अंदर नशे और सामाजिक बुराइयों के अंत करने के लिए अपील भी की गई। जिस तरह आप सारे जानते हैं कि अजकल पंजाब का जो भी मीडिया टी वी देख लो अखबार देख लो सारा नशे की खबर ली भरया हों, तो मैं ये धन्यवाद करूँगी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का कि जिन्हें यह उपराला किया कि आपने लोगों को जागरूक कर सकी। मुताबिक नशे किस तरह पंजाब बंद हो सकते हैं? सारिया के सहयोग न ही बंद हो सकते हैं, आप कि एक पुलिस कर लूगी सरकार कर लूगी जदों तक अपने लोगों का सहयोग नहीं होगा, जो लोग नशा करते ने वो अपने आप अगे खुल के नहीं आएंगे उदों तक आप इन्हों का कोई हल नहीं कर सकते। डॉक्टर तो लोगों अवेयर कर सकते कि नशा के माड़े प्रभाव की आ, जो नशे हूँ लोग नशे के आदि हो चुके असं उन्होंने उन्होंने इलाज करके उन्होंने आपकी जिंदगी दिल्ली तो दोबारा लिया सकते। अज की जो चेतना रैली है समाज में अवेयर करने वास्ते RMP मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन पंजाब वालों कढ़ी जा रही है जी, जिस दे विच जो भी लोग नशा वेचते हैं जो लोग नशा करते हैं उन्होंने साड़ी हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ इस काम तो बाज आ जाए और जो समाज के बहुत वड्डी कृति है जिस कृति नाल सारे पंजाब नू इसका नुकसान हो रहा है करके नुकसान हो रहा है उसके संबंध में असं एक लोगों को अवेयर करने वास्ते आपके वालों एक छोटा जिहा उपराला किया जी। मुताबिक जो नशा किस ढंग खत्म हो सकता है? लोगों की चेतना ही खत्म होना जी, जिमें जिमें लोग इस बारे जागरूक होंगे जिमें जिमें लोगों का साथ मिलेगा तो पिंड वाले लोग भी इसका साथ देन प्रशासन भी साथ दे और जिन्हें भी मेडिकल डिपार्टमेंट्स है जो भी सरकारी अदारे है वो साडा साथ देन जो नशे वेचते उन्होंने फड़ के गिरफ़्तार कर जी। साडा प्रशासन दे रहा जी जो असं SHO साहब नूं भी इस बारे मंग पत्र देवे पुलिस प्रशासन नूं और SMO साहब भी आए थे साढ़े जो सिविल हस्पताल दोदा दे मैडम नायब तहसीलदार भी आए थे जी। किसान जथेबंदियां और जो भी समाजिक जथेबंदियां जी वो साढ़े नाल सहयोग कर रही जी। नशे बारे जी गल करते हो चल रही साड़ी चेतना रैली है साड़ी इस असी इस ब्लाक के मैंबर भी हैं अहदेदार भी हैं जिहड़े नशे की गल तुसी करते हो नशे अज साडे पंजाब इन्ना ज़्यादा अंदर कस चुके है घुणा लग चुके है जिस तरह लकड़ू सियोंख लगती है सारा पंजाब किसी ना किसी घर कोई जरदे का वैल है कोई बीड़ी का है कोई शराब का है कोई चिट्टे का है कोई फीम का है बड़े नशे है जिहड़े लोगों को पता भी नहीं चलता किदां करदा है। जिहड़े RMP डॉक्टर है असी घर घर जाने सानू हर एक बंदे का पता है भी यह नशा की करता तो किवें छुट्टूगा जिहड़े डॉक्टर सानू इस बदनाम भी किया नशे RMP डॉक्टर कौन दे इस RMP डॉक्टर का बिल्कुल 0% हाथ भी नहीं हुंदा जिहड़े नशे है ये आम लोगों राही करते हैं बाहरों करते हैं कोई होर लोग आके बाहरों करवाउंदे है जे छुड़ाउण दी गल है नशियां दी तां RMP डॉक्टर ही यह नशे छुड़ा सकते हैं होर आदमी इन्हों नहीं छुड़ा सकता क्योंकि असं घर घर जाने हर एक बंद मोटीवेट कर सकते नशा किदा छड़ना है उन्होंने दवाइया दे सकते हैं उन्होंने चंकी लाइन से ला सकते हैं ये एक RMP डॉक्टर ही ये काम कर सकता बाकी नहीं कर सकते।